आज हम लोग करेंगे पिक्सलाइट का डिटेल्ड रिव्यू हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहां पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ आज जिस टूल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है पिक्सलाइट ये एक टूल है कैनवा की तरह क्रेलो की तरह ऑनलाइन वेब बेस्ड इंटरफेस मिलता है आपको जहां से आप लोग इमेजेस बना सकते हो तो आज हम लोग इसके डिटेल रिव्यू करेंगे फीचर्स देखेंगे कॉन्स देखेंगे किसे ये लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए वो भी देखेंगे इसे हम लोग बीच बीच में कंपेयर भी करेंगे कैनवा फ्री से क्या उसमें अच्छा है क्या इसमें अच्छा है और मैं आप लोगों के लिए इस टूल का गिव अवे भी लाया हूं तो इसको लाइक तो कर ही दीजिएगा सो so शुरुआत करते हैं इंटरफेस से जैसे आप लोग वेबसाइट खोलोगे इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा और जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉग करोगे इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएगी अपनी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए एंड जो जैसे हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आ जाएगी इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा माई डिजाइन में जो भी आप लोगों ने डिजाइन बनाई है वो सब यहाँ पर आ जाएगी और फिर वर्क स्पेसेस आ जाएंगी अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं यहाँ पर आप लोग अपने पर्सनल वर्क स्पेस और वर्क वर्क स्पेस अलग अलग कर सकते हो

फिर तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ऊपर यहाँ पर इमेजेस मिल जाएगी मुझे मान लो एक अपना गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा गिफ्ट गिफ्ट की यहाँ पर मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा फिर इसको यहाँ से हम लोग ऐसे रिसाइज कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर इसका एडिटर काम करता है फिर अगर टेक्स्ट डालना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएगी टू बी फ्रैंक कैनवा फ्री में आपको यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स देखने को मिलेगी लेकिन पिक्सलाइट के पास कुछ ऐसे फीचर्स है जो कैनवा फ्री में नहीं आपको देखने को मिलेंगे तो फिलहाल जैसे अगर मुझे ये ऐड करना है तो ये यह यहाँ पर आ गया अब अगर इसको मुझे एडिट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे डाल दूंगा गिव अवे और फिर नीचे डाल दूंगा कि यहाँ पे मेरा काय का गिव अवे है डाल देते हैं हम लोग पिक्सलाइट फॉर अकाउंट्स फिर आते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन आप लोग इलस्ट्रेशन डाल सकते हो मॉकअप्स डाल सकते हो इन सब के ऊपर मैं अभी आऊंगा हम लोग डिटेल में बात करेंगे एलिमेंट्स आइकन्स ब्लेंड माई फाइल्स माई फाइल्स में यहाँ पर हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं और जो बेसिक आपको एडिटिंग की डिटेल्स मिलेगी वो इसके ऊपर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी फॉन्ट्स वगैरह जो आपको चाहिए आप लोग यहाँ पे अपने भी डाल सकते हो एंड देन चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो तो इस तरीके का एडिटर आपको देखने को मिलेगा पिक्सलाइट के ऊपर अब अगर इसके एक कॉर्न की बात करूं तो मान लो अगर मुझे कोई इमेज अपलोड करनी है तो मैं उसको यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता हूं मुझे उसको यहाँ से चूज फाइल करके पहले अपलोड करना पड़ेगा फिर मैं यहाँ पर उसको ला सकता हूँ डायरेक्टली मैं अपने सिस्टम से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ और जो उसकी इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी है वो है इसका आई ड्रॉपर टूल मैं यहाँ पर कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ मान लो मुझे ये वाला कलर चाहिए ये वाला शेड चाहिए यहाँ पर तो इस आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं कर सकता हूँ प्राइसिंग की बात करूं तो फिलहाल ये आप सुबह पे लाइफ टाइम डील के ऊपर है स्टार्ट हो रहा है फिलहाल ये डॉलर फोर्टी से एंड यहाँ पर आपको सारे प्रीमियम फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे और फाइव बैकग्राउंड रिमूवल है पर कोड ज्यादा नहीं है आई विश यहाँ पर इन्होंने ज्यादा दिए होते लेकिन फिलहाल आपको पांच ही मिलेंगे पर कोड तो जैसे जैसे आप लोग अपने यहाँ पे पैकेजेस बढ़ाते जाएंगे वैसे आपके वर्क स्पेसेस भी बढ़ती जाएंगी और टीम मेंबर्स भी बढ़ते जाएंगे बाकी प्रीमियम आइकन्स और कलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिलहाल ये आप सुबह के ऊपर है तो आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हो और अगर पसंद नहीं आए तो सिक्सटी डेज के अंदर आपको रिफंड भी मिल जाएगा टेम्पलेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में इनके टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएगी अच्छा कलेक्शन है टेम्पलेट्स का कैनवा फ्री से कंपेयर करूं तो दोनों में आपको टेम्पलेट का कलेक्शन मिल जाएगा इसमें एक चीज मुझे ये अच्छी लगी है कि इसमें थोड़ा सा यूनिक फैक्टर आ जाता है जैसे जिसने कैनवा रेगुलरली यूज किया होगा वो देख के पता बता सकता है कि किसने कैनवा का फ्री वर्जन यूज किया है उसकी टेम्पलेट्स इतनी कॉमन है क्योंकि कैनवा इज वाइडली यूज और फ्री वर्जन तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती है थोड़ा डिफरेंट लुक मिल जाता है तो कोई ईजिल नहीं बता सकता है कि कोई आपने फ्री टूल यूज़ किया है या फिर कैनवा से बनाया है एंड यहाँ पर आपको टोटल ट्वेंटी सेवन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए टेम्पलेट्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पर अभी फिलहाल ये सर्च वाला फीचर भी है जो अभी ही आया है इससे पहले नहीं था रिसेंटली ये सर्च वाला फीचर आया है फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी इंटर्न को हायर करना है तो मैं यहाँ पे हायर पेड जाऊंगा और ये सारी हायर की टेम्पलेट्स आ गई हैं अब मुझे मान लो ये वाला चाहिए तो ये मैं इस पे क्लिक करूंगा कर करूं, तो अपलोड कर सकते हैं पी एन जी जेपीजी और एसवीजी फाइल फॉर्मेट में और हाँ, अगर हमें एक्सपोर्ट करनी है डाउनलोड करना है तो जेपीजी पी एनजी पी एन जी ट्रांसपेरेंट एसवीजी वेब पी और वेब पी ट्रांसपेरेंट ये जो तीन ऑप्शन ये अभी आए हैं एंड काफी अच्छे ऑप्शन है वेब पी तो काफी अच्छा है अगर आप लोग तो ब्लॉगिंग वगैरह करते हो अगर आपको स्मॉल साइज में अच्छी क्वालिटी वाली इमेजेस चाहिए तो फिर वो जाएगी अपलोड होगी वेब पी वाले फॉर्मेट में तो ये देख के मुझे काफी खुशी हुई है अब अगर यहाँ पर मैं इलस्ट्रेशन की बात करूँ तो आपको काफी सारे यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको कैटेगरीज भी मिल जाती है एंड जो एक चीज़ मुझे इसमें पसंद नहीं आई वो इलस्ट्रेशन में सर्च फंक्शन नहीं है तो अगर यहाँ पे मुझे कुछ सर्च करना है तो उसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आई होप ये लोग सीरियसली इसे फ्यूचर में ऐड कर दें एंड देख के तो लग रहा है कि ये लोग इसमें भी सर्च फंक्शन ले आएंगे और यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ मैं इसको डायरेक्ट एस फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ ये आ गया मेरा राइट क्लिक करूंगा सेव ऐस कर दूंगा एंड देन ये मेरी एस वाले फॉर्मेट में सेव हो जाएगी फिर मैं इसको चाहूँ तो फोटोशॉप में यूज कर सकता हूँ या फिर वापस से इन्हीं के एडिटर में कहीं पर भी मैं यूज़ इसे कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ एडिट में क्या कर सकता हूँ एडिट यहाँ पर मैं इसके कलर्स यहाँ पर ईजिली एडिट कर सकता हूँ जैसे ये वाला है यहाँ पे मैं कलर्स पे जाऊँगा अब मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जैसे मुझे ये वायलेट पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इनका वायलेट वाला शेड कर दूँगा रेड में ये अच्छा ये जूतों तो का हो गया शायद से तो यहाँ पर हम लोग फिर से जाएंगे ये दूसरा वाला वायलेट है ठीक है अब मुझे इनकी लाल पैंट करनी है तो यहाँ पर हमने इनकी पैंट कर दी लाल तो इस तरीके से आप लोग भी इसे एडिट कर सकते हो इमेजेस की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो फ्री इमेजेस लाइब्रेरीज मिल जाती है अनस्प्लैश और पिक्सा भी दोनों से सर्च करके आप लोग इमेजेस निकाल सकते हो उसको डाल सकते हो एंड देन यहाँ पर आपको फिल्टर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आपको अपनी इमेजेस में फिल्टर डालना है तो वो भी आप लोग इजिली यहाँ से डाल सकते हो टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफी कैटेगरीज मिल जाती है लेकिन कैनवा फ्री में ज्यादा कैटेगरीज है यहाँ पर आपको अराउंड 50 प्रीमेड टेम्पलेट्स मिलती है थोड़ा यहाँ पे ज्यादा और हो सकता है इन फ्यूचर होपफुली आ जाएगा और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं फॉन्ट्स को आप लोग डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है जैसे ये है यहां से मैं फॉन्ट पे गया तो यहाँ पर मैं अपने कस्टम फॉन्ट्स को भी अपलोड कर सकता हूँ और जो इनके ये सारे सिस्टम वाले फॉन्ट्स हैं मेनली गूगल वाले जो फॉन्ट्स हैं उसको भी मैं यहाँ पर इजीली यूज कर सकता हूँ फिर आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएंगे मान लो आपको रेक्टेंगल ऐड करना है तो यहाँ से आप लोग रेक्टेंगल्स वगैरह ऐड कर सकते हो लाइन्स वगैरह ऐड कर सकते हो तो एलिमेंट्स का कलेक्शन अच्छा है लेकिन अगेन यहाँ पर सर्च बार की फंक्शनैलिटी मिसिंग है फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉटेड लाइन चाहिए तो पहले मैं लाइन पे जाऊँ फिर यहाँ पे मैं देखूँ कि इसमें से डॉटेड लाइन कौन सी है तो आई विश कि यहाँ पर मैं सीधे यहाँ पर डॉट लाइन लिख देता और ये सारे एलिमेंट्स मुझे मिल जाते दैट वुड हैव बीन मच बेटर फिर आते हैं हमारे पास आइकन्स इनका आइकन कलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट लगा है मुझे ये लोग आइकनस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं आइकन फाइंडर से और एस वी जी रेपो से दोनों के इसके आइकन कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं मीन्स यहाँ पर अगर मैं मान लो इंस्टाग्राम टाइप करता हूँ तो इंस्टाग्राम में मुझे इतने सारे आइकन्स मिल जाते हैं मैं इसको फ्री में यूज कर सकता हूँ ये फीचर आपको कैनवा फ्री वाले वर्जन में भी नहीं मिलेगा एंड बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है मैं बिना क्रेडिट दिए किसी को भी ये सारे आइकन्स को यूज कर सकता हूँ तो आइकन कलेक्शन इनका बहुत अच्छा है एंड बिलीव मी आइकन्स एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले अटेंशन ग्रैप करते हैं इमेज में अगर मैं व्हाट्सएप के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो व्हाट्सएप का आइकन कहीं ना कहीं मेरे थंबनेल में होना चाहिए ताकि थोड़ी जल्दी से अटेंशन वो ग्रैप कर पाए तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स मिल जाते हैं इंस्टाग्राम का है व्हाट्सएप का है अलग अलग जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा मान लो स्माइली चाहिए तो स्माइल का भी कोई ना कोई आइकन होगा फॉर एग्जाम्पल ये सारे हैं आंगरी ये सारे ये सारे जो रिएक्शन है आइकन्स है डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी अच्छा कलेक्शन है दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस एडिटर फिर यहाँ पर आपको एक ब्लेंड मोड भी देखने को मिल जाता है अगर आपको अपनी कलर थीम चेंज करनी है आपने कोई template लिया उसकी आपको कलर थीम चेंज करनी है तो आप इस ब्लेंड मोड के थ्रू उस कलर थीम को चेंज कर सकते हो ये वाला फीचर भी मुझे काफी अच्छा लगा कि एक बार आपकी डिजाइन बन जाए उसके बाद आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर वेरिएशन काफी इजिली टेस्ट कर सकते हो फोल्डर मैनेजमेंट की बात करूं तो आप लोग अपने डिजाइन को यहाँ पे सेव कर सकते हो एंड इनको अलग अलग फोल्डर में भी डाल सकते हो और इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आप लोग तो फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते हो जैसे वाली मेरी डिज़ाइन है और डिज़ाइंस पे मैं गया एंड मान लेते हैं मुझे बिल्ली वाली डिज़ाइन के पी टू में डालनी है तो सिंपली मैं ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ और मेरी डिज़ाइन इस फोल्डर के अंदर मूव हो गई है सब फोल्डर्स क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर हमारे पास वर्क स्पेस का भी ऑप्शन रहता है अगर आपको डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ काम करना है पर्सनल वर्क स्पेस को अलग रखना है और ब्लॉगिंग वाली वर्क स्पेस को अलग रखना है यूट्यूब वाली वर्क स्पेस को अलग रखना है तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग इजीली कर सकते हो यहाँ पर मैं डिफरेंट वर्क स्पेस बना सकता हूँ एंड देन उसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकता हूँ ये रि मेरी एक वर्क स्पेस तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी टीम मेंबर को ऐड कर सकता हूँ जो पिक्सलाइट का जो पहला वाला कोड है उसमें आप लोग एक टीम मेंबर को ऐड कर सकते हो एंड देन जैसे जैसे आपके कोड्स बढ़ते जाएंगे वैसे आप लोगों की टीम मेंबर्स भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको एफ ग्रुप मिल जाता है और इनका नॉलेज बेस भी है थोड़ा और डिटेल्ड इनका नॉलेज बेस हो सकता था इन माई ओपिनियन टीम मेंबर की बात करूँ तो फर्स्ट कोर्ट के साथ एक टीम मेंबर है जिसको आप लोग वर्क स्पेस पर अलॉट कर सकते हो बैकग्राउंड रिमूवल टूल की बात करूँ तो मेरे एक्सपीरियंस में वो अच्छा था लेकिन सिर्फ यहाँ पर आप लोग पांच इमेजेस का ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो पर मंथ अगर आप लोग इनका स्टार्टिंग वाला प्लान लेते हो तो फिर यहां पर मॉकअप्स भी आ गए हैं मॉकअप्स अभी रिसेंटली ही आए हैं तो यहाँ पर हमें मॉकअप्स देखने को मिल जाते हैं अगर आपको लैपटॉप के ऊपर अपनी इमेज दिखानी दिखानी है है वेबसाइट तो वो आप लोग इन मॉकअप्स के थ्रू कर सकते हो फिलहाल आपको ज्यादा टेम्पलेट नहीं देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले टाइम में मॉकअप्स पे भी ये लोग थोड़ा ध्यान देंगे और अगर आपको सिर्फ मॉकअप्स के लिए चाहिए तो आई रिकमेंड कि आप लोग मेरा प्लेसीट वाला वीडियो देख लीजिए वो आपको आईवर्टन पे मिल जाएगा वो वाला टूल मॉकअप्स के लिए ज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर इनके रोड मैप की बात करूं तो इनका रोड मैप भी अच्छा है एंड खास बात यह जो रोड मैप है लाइक like जब मैंने पहले बारूज किया था और जब मैंने अभी इसमें रिस किया तो इन्होंने काफी सारा फंक्शन डाल दिए है सर्च के फंक्शन डाल दिए एक्सपोर्ट के फंक्शन डाल दिए कुछ नए टेम्पलेट्स डाल दिए मॉकअप डाल दिए तो काफी तेजी से इनका यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है एंड ये रहा है इनका रोड मैप मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर चाहे तो जो मैं यहाँ पे फीचर्स देखना चाहूँगा वो रहेंगे मेरे फेवरेट फीचर्स फोटोज और आइकन के लिए और यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा इलस्ट्रेशन के लिए सर्च फीचर एट सर्च फंक्शनैलिटी फॉर इलस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है तो ये कुछ फीचर्स है जो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा अब अगर मैं इसके प्रोस की बात करूँ तो इनका आइकन कलेक्शन काफी अच्छा है वैक्टर कलेक्शन इलस्ट्रेशन कलेक्शन अच्छा है इसको हम लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं रोड मैप इनका काफी अच्छा है एंड इट इज अ सिंपल टूल टू यूज अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूं तो यहां पे आपको कभी कभार कुछ ग्लिचेस देखने को मिलेंगे क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो थोड़े बहुत ग्लेचेस देखने को मिलेंगे उस केस में आप लोगों को अपना कैश कैसे क्लीन करना पड़ेगा या फिर इनकॉग्नेटो मोड में खोल के भी आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं फिर इनका मोबाइल ऐप नहीं है सिर्फ वेब वर्जन ही है तो कोई मोबाइल ऐप एट प्रेजेंट नहीं है देन इट्स फॉर इमेज ओनली यहां पर आपको वीडियो और एनिमेशन के ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे जैसे हमें क्रेलो में देखने को मिलते थे बट आई थिंक दिस इज फेयर बेटर है कि हम लोग एक ही चीज पे पहले कॉन्सेंट्रेट करें एंड देन उसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें सो पिक्सलाइट अभी काफी नया है इट इज गुड लेकिन इसमें पोटेंशियल है काफी अच्छा बनने की तो क्या ये अभी आपको लेना चाहिए अगर आप लोग कोई एक ऐसा लाइफ टाइम टूल ढूंढ रहे हो एट प्रेजेंट जो बजट में भी हो और जिसमें आपको आइकन कलेक्शन भी मिल जाए इलस्ट्रेशन कलेक्शन भी मिल जाए वेक्टर ग्राफिक्स भी मिल जाए मॉकअप्स भी मिल जाए तो फिर आप लोग इस टूल की तरफ अभी देख सकते हो ये एक अभी अच्छी डील पे मिल रहा है इसको चाहो तो यूज भी करके देख सकते हो और अगर पसंद नहीं भी आए तो भी यहाँ पर हमारे पास 60 डेज है रिफंड क्लेम करने के लिए मैं पर्सनली इसको क्विक इमेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कम्युनिटी टाइम में कुछ पोस्ट करना है कुछ क्विकली मुझे इमेजेस बनानी है विथ आइकन्स तो फिर मैं इसका यूज़ करूंगा क्योंकि फोटोशॉप अगर मैं करता हूँ तो पहले मुझे उसका आइकन्स डाउनलोड करने पड़ते हैं फिर उसको ड्रैक करके लाना पड़ता है तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग मेरे लिए ये थोड़ा ज़्यादा ईजी और क्विक क्रिएशन मेथड रहेगा सो so, आप लोग चाहो तो इसे टेस्ट कर सकते हो अब अगर गिव अवे की बात करूं तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे चार पिक्सलाइड अकाउंट्स का गिव अवे किया जा रहा है कैसे एंट्री करनी है सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह के आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टूल्स भी लाता रहूं और गिव अवे भी बीच बीच में लाता रहूं फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक पे चले जाइएगा अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा एंड अपने ई को वेरीफाई कर दीजिएगा फिर मैं यहाँ पर चार विनर्स को पिक करूंगा सेवेंटीन जनवरी 2021 को और चारों विनर्स को ईमेल भी चला जाएगा एंड मैं उसे कम्युनिटी टैब में भी शेयर कर दूंगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड बाय